तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं VVMI को प्रोग्रामिंग, और VVMI को प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज डेटा टाइप्स के बारे में। आपने इंटरनेट पे और आपने बाकी जगहों पे देखा होगा कि जब हम VV प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें डिम आर एज ए रेंज, आर एज ए लॉन्ग स्ट्रिंग या ABCDYHL हम लोग टाइप करते हैं। तो क्या है वो, क्यों जरूरत है, उसके बारे में हम चलिए आज इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए। हमने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दिया है आपको, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं सर, मेरे पास ये आ रहा है आपके। अब दे दिया मैंने। ओके। ओके। तो जैसे कि हम पहले बात करते हैं कि हमें वेरिएबल जरूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि VVA प्रोग्रामिंग में आपको 20+30 करना, अब इसका रिजल्ट 50 आया, 50 को स्टोर, बात समझे, तो स्टोर करने के लिए हमें किसी सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा कि A1। तो यहां A1 लिखेंगे कैसे, रेंज A1। A1 का क्या प्रॉपर्टी है, फॉर्मेटिंग है, कलर है, क्या हमने नहीं बोला, वैल्यू है, यहां पे हमने वैल्यू टाइप किया। तो हम यहां पे क्या हुआ, A1.value = 20+30। तो इस माइक्रो को जब मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि A1 पे 50 को डाल दिया। समझ में आ गया ये चीज। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि मुझे इस कैलकुलेशन के लिए A1 को हमेशा फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे इस कैलकुलेशन को कहीं अलग जगहों पे यूज करना है, तो हमें एक रेंज को हमेशा इसके लिए खाली रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जब मैथमेटिक का क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक रफ यूज करते हैं ना कैलकुलेशन करने के लिए। अगर मैथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करते समय जोड़ घटाओ गुणा भाग जो है क्वेश्चन में कर दोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, वो आंसर थोड़ा सा आपको सही नहीं दिखेगा ना सर। क्या लाई जी? यस सर, यस सर, यस सर। तो इसलिए हम यहाँ पे एक टेम्परली सेविंग लोकेशन लेते हैं। जैसे हमने ले लिया पी या ले लिया ए, जैसे मैथमेटिक्स में हम लेते थे XYZ ABCD, उसी तरह से यहां भी हम XYZ ABCD कुछ भी ले सकते हैं, उसको बोला जाता है वेरिएबल्स, जो कि डेटा टाइप होता है। तो मैंने अगर बिना कर दिया, अब मुझे यहां कहीं भी यूज करना है, जैसे मुझे मान लीजिए मैचेस में शो करना है तो MSG बॉक्स में मैं ए कर दूंगा, तो इसका 20+30 का कैलकुलेशन ए पे स्टोर होगा और फिर मैसेज बॉक्स के जरिए, मैसेज बॉक्स जो रिजल्ट होगा वो ए से उठा लेगा। उठा लिया, या कहीं भी, जैसे मान लीजिए मुझे कहीं भी इसको और काम करना है या किसी तरह की और कैलकुलेशन करनी है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक और कैलकुलेशन करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया P = A/2। तो P एक अनदर वेरिएबल हो गया और फिर जहां इसको शो करना चाहे वहां आप इसको शो कर सकते। समझ गए? तो ये जो ABCD PM होता है वो क्या होता है, टेम्पररी सेविंग लोकेशन। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। तो चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं। मेरे पास यहां कॉस्ट है और यहां पे MRP है। तो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 30 है तो मुझे यहां MRP को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैनुअल कैलकुलेशन में क्या करना है कि इसमें क्या होगा कि मैनुअल कैलकुलेशन क्या होगा कि मुझे सबसे पहले इसका 5% निकालना होगा, माने कि मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट या कॉस्ट जो भी गई है, फिर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा अपने लागत, अपने कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद के ऊपर 10% का कमीशन निकालेगा, अपने खरीद के अमाउंट में जोड़ देगा और होलसेलर को दे देगा, होलसेलर क्या करेगा अपने खरीद पे 15% का कमीशन जोड़ेगा और दे देगा होलसेलर को, रिटेलर को, रिटेलर क्या करेगा अपने खरीद का 20% ऐड करेगा और दे देगा कंज्यूमर। ओके? कंज्यूमर इज MRP। इतने सारे कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ी।
अब मैं चाहता हूं इसी काम को VVA के थ्रू करना, तो मैं डेवलपर में गया, विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, एक मैक्रो डिफाइन किया और सबसे पहले मैंने बोला कॉस्ट C इक्वल टू हमने बोला रेंज और हमने बोला वैल्यू यहां से उठा लो B3 से, B3 है क्या, तो उसका वैल्यू, तो अब इस C के ऊपर क्या स्टोर हो गया 36। उसके बाद अब यहाँ पे MRP है तो M इक्वल टू C हमने यहाँ पे कर दिया, बोला M इक्वल टू M का 0.5%, 0.05, 5% सैंपल नहीं होता, लेकिन इसको हमें ब्रैकेट में लेना होगा, तो बोर्ड मास मेथड और इसको M। अब इसी को कॉपी किया और नीचे की तरफ हमने पेस्ट कर दिया। अब यहां पे हम दिए 10%, यहां पे हमने दिया 15% और यहां पे दिया 20%, 25 हो गया 20 करता हूं 20%। और कहां पे स्टोर करना है तो B4 पे, हमने बोला रेंज B4 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैं इसको रन करूंगा तो रन करते देखिए यहां पे हमारा रिजल्ट आ गया। अब इमेजिन कीजिए कि अगर मैं M का यूज नहीं करता तो मुझे ये जो रेंज B3 है, इतने सारे रेंज यहां लेने पड़ते, मुझे मैं कहां रखता कैलकुलेशन, क्योंकि हर दूसरा कैलकुलेशन पहले कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट है, तो मुझे इतने सारे रेंजेस लेने पड़ते। तो इसलिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को। तो आपको यह पता चल गया कि हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? यस सर। वेरिएबल इज टेंपरेरी सेविंग लोकेशंस के लिए, माइक्रो लेंदी ना हो जाए या बार बार हमें इनपुट ना लेना पड़े, समझ गए? VVA के अंदर की गई कैलकुलेशन को हमें एक्सेल सीट पे सेव ना करके VVA के अंदर ही सेव करना। हम टेम्परोली बाद में बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तभी तक इसका वजूद होगा जब तक ये माइक्रो रन हो रहा है, जैसे एंड सब से बाहर होगा सिस्टम सबको भूल जाएगा। तो एलाइज जी अब समझ में आया आपको? हाँ सर थोड़ा बहुत, पर अभी मुझे वो बेसिक M और C क्यों लिया है वो नहीं पता चला कि मतलब C मतलब हम यहाँ मैथमेटिक की तरह देखिए, हमने मैथमेटिक यूज कर रहे हैं, हमने C इसलिए लिया ताकि हम C से वैल्यू ले सके, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट है वो VVA में नहीं है, वो एक्सेल सीट पे है। तो C का कॉलम है इसके लिए? सी का कॉलम नहीं, सी नाम का ऐसे ही, सी के जगह कुछ भी कर सकते हैं आप, इसी के नाम में आपका। अच्छा, ओके, वो रैंडम है। अच्छा, जैसे मैथमेटिक्स में एबीसीडी कैसे देते थे आप? ओके ओके, तो ये मैथमेटिक्स जब मैथ का जो फॉर्मूला सॉल्व करते थे तो बोलते हैं ना एक्स इक्वल टू 100। डिफाइन कर रहे हैं, और जहां हमें 100 की जरूरत होती थी वहां हम एक्स यूज करते थे ना। अच्छा सेम मैंने मान लिया, हमने यहाँ बोला कि C इक्वल टू B3, मतलब C जो है के बराबर है, B3 की वैल्यू बराबर। अब मुझे जहां जहां B3 की वैल्यू की जरूरत होगी वहां हम C ले लेंगे। फिर हमने बोला M है C के बराबर है, अब मुझे जहां मुझे C चाहिए वहां, हमने यहाँ पे डायरेक्ट गलत ले लिया, मैं डायरेक्ट यहाँ M भी ले सकता था। ओके, करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है सर। मुझे क्या करना है कि M इक्वल टू M का 5% प्लस M। ओके ओके ओके, ऐसी 10% रिप्लेस होता गया, ये क्या होगा कि ये रिप्लेस हो गया इससे, फिर ये रिप्लेस हो गया इससे, फिर रिप्लेस। अच्छा अच्छा, हाँ बराबर, ठीक है अभी समझा, समझ गया। तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दिया M के। ओके ओके, हम M की जगह पे कुछ भी ले सकते। सर मुझे इसमें क्लियर करना था, मेरा जो कंसेप्ट क्लियर करना था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी पूछा था, ये जो MMM जो किए है ना सर, ये जो सीरीज है ना 0.051, उसके बाद 0.15 और 0.2, तो ये पहला करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ऐसा रन करके फिर लास्ट में M की वैल्यू
वो रेंज बी फॉर वैल्यू में डाल देगा। हाँ, सबसे पहले बात जान लीजिए कि वीवी का प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है ना। पहले इस लाइन फिर इस लाइन को चलेगा, फिर इस लाइन को चलेगा, फिर इस लाइन को चलेगा। करेक्ट करेक्ट। ओके, चीज की मान लीजिए कि मैंने वेरिएबल हुआ ए इक्वल टू 20, अभी हमने क्या कर दिया ए इक्वल टू 20 और इसी के नीचे हमने बोल दिया ए इक्वल टू 40। तो अब क्या हुआ, इस लाइन तक ए होगा 20, बस यहाँ पर जैसे आएगा ए हो जाएगा 40 और 20 को रिप्लेस कर देगा 40। जैसे एक्सेल शीट पे होता है कि आपने 20 यहाँ लिख दिया और इसमें फिर वापस आपने 40 लिख दिया, तो क्या होगा 20 40 से ओवरराइट हो गया ना। लेटेस्ट वैल्यू लेगा, लेटेस्ट वैल्यू लेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है कि लेटेस्ट कैलकुलेशन स्टोर हो रहा है। तो हमने क्या हुआ कि बहुत सारे वेरिएबल ना लेके, ऐसा होता तो मुझे अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते ना, हमने एक ही वेरिएबल को ओवरराइट करता चले गया। क्योंकि पहले इसको होता क्या है कि पहले ए कैलकुलेट होता है, ठीक है, उसके बाद इस पे वैल्यू आती है। तो जब ए कैलकुलेट होगा तो एम हमारा 36 होगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 5% प्लस 36 और उसका रिजल्ट एम पे स्टोर होगा। राइट के वैल्यू लेफ्ट में डालेगा। हाँ, फिर मान लीजिए कि 36 के बाद 36 का रिजल्ट निकल पर 38 हो गया। अब यहाँ पे 38 है तो 38 इक्वल टू 38 का 10% प्लस 38, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 40, ये m 40। ओके, करेक्ट करेक्ट, क्लियर है? यस सर। चलिए, तो वेरिएबल की उपयोगिता आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं, राइट? ओके, हाँ। अब बात करते हैं कास्ट, मतलब की टाइप्स। आपने देखा होगा कि मेरे माइक्रो में कभी कभी मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं, कभी लॉन्ग ले लेता हूं, कभी कुछ ले लेता हूं। तो होता ऐसा इसलिए कि अभी जो हमने दिया, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, इसको बोलते जाते हैं वेरिएंट। मतलब कि जो मान लीजिए अभी एक्सेल शीट पे ही, एक्सेल सेल पे ही हम जो टाइप कर रहे हैं वो टाइप हो रहा है ना अभी। लेकिन मान लीजिए कि हमने इसकी फॉर्मेट सेल में गया और फॉर्मेट सेल में हमने बोल दिया इसको कि ये टेक्स्ट है, तो अब जो भी टाइप करेंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, समझ गए? नंबर भी टाइप करेंगे तो टेक्स्ट ही होगा ना, क्योंकि हमने क्लियर कर दिया कि ये जो हमारा i4 है वो टेक्स्ट फॉर्मेट का है, मतलब कि ये सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू लेगा। अब बोलेंगे सर नंबर को लिया, तो नंबर को भी टेक्स्ट समझ के ही लिया। अगर आप इसमें सम फॉर्मूला अप्लाई करें तो सम फॉर्मूला वर्क नहीं हो, या फिर मैं इसी सेल में कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं तो फॉर्मूला परफॉर्म नहीं हो। बस सर, उसी तरीके से वेरिएबल के भी कास्टिंग की जाती है। और कास्टिंग क्यों की जाती है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या कास्ट होते हैं? सबसे पहले से डिम मतलब कि डायमेंशन, लिखने का तरीका जानिए। डिम मतलब डायमेंशन, मतलब हार्ड डिस्क के किसी डायमेंशन में। हमने बोला टी, टी नाम का एज ए हमने बोला बाइट, टी नाइन का डेटा, टी नाइन का लोकेशन, सेविंग लोकेशन क्रिएट करो जो कि स्टोर करेगा सिर्फ बाइट वैल्यू। अब बाइट वैल्यू क्या होता है? बाइट वैल्यू होता है कि वो 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू को ही रखता है, ना नेगेटिव ना डेसिमल। मतलब कि टी के ऊपर अगर मैंने -69 दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप प्ले कीजिएगा ना, ये आपको दिखाएगा ओवरफ्लो, क्योंकि ये माइनस नहीं ले सकता, ठीक है? हाँ, अगर मान लीजिए इसमें मैंने डेसिमल 25 दिया, 26 दिया, तो ये स्टोर ए जो है आपका ले तो लेगा, लेकिन एमएससी बॉक्स में देखिए ये आपका सिर्फ 25 ही शो करेगा, 26 राउंड कर देगा, माफ कीजिए 26 को करेगा, क्या मतलब कि डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता, बट डेसिमल अगर डालते हैं तो राउंड कर देगा। पहला हो गया बोले क्या बोले सॉरी सर, डिम वापस से समझाएंगे? नहीं समझाएंगे, सब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, पास नहीं, कुछ इनिशियल की होते हैं जिसे सिस्टम को पता चलता है कि इसमें ये होने वाला है। ऐसे हमने सब लिख दिया, मतलब कि नया माइक्रो क्रिएट होने वाला है, ऐसे डिम लिख दिया तो सिस्टम को समझ में आ गया कि डिम से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें और लोकेशन क्रिएट करना है, ये फिक्स वर्ड है। जैसे इसको हम मेमोरी बोल सकते हैं सर, मेमोरी में वो स्टोर कर रहा है। इंग्लिश टाइप ऑफ मेमोरी, हाँ इंग्लिश होता है ना,
आर यू, मतलब हमने आर यू लगा दिया, मतलब कि क्वेश्चंस पूछने वाला। ओके ओके, मतलब ये क्वेश्चन टाइप्स वाला, डीम मतलब क्वेश्चन। तो नहीं क्वेश्चन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक रिजर्व वर्ड होता है, जैसे इंग्लिश में होता है रिजर्व, आर यू कर दिया तो क्या हो गया कि रिजर्व हो गया कि आर यू से स्टार्ट किया, मतलब कि है आपका क्वेश्चन है। ओके, कि सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले ही सुनने वाला बंदा समझ जाएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हैं। ओके, सेम उसी तरह से जैसे ही डिम लिख दिया हमने, सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि ये डायमेंशन है, मतलब कि हमें एक लोकेशन क्रिएट करना है। अच्छा अच्छा, ये सेंटेंस हो गया डिम टी एज ए बाय, डायमेंशन में टी के नाम से बाय। अब यहाँ पे पूरा डायमेंशन लिखना होता तो दिक्कत होता ना, इसलिए शॉर्ट दे दिया प्रोग्रामर ने। ओके, तो ये रिजर्व वर्ड है, डीम हो गया, लूप हो, फोर हो गया, डू हो गया, ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं। ओके ओके, तो डीम भी एक रिजर्व वर्ड है। तो जब भी कोई डेटा डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, तो हमें डीम से स्टार्ट करना होगा। ओके ठीक है, जैसे दूसरा मैं करता हूं कि डीम बी एल एज ए बुलेट, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कि बुलेट मतलब कि डेटा टाइप। तो ये हो गया कि ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करेगा, डी एल इक्वल टू ट्रू या फॉल्स ही लेगा। तीसरा होता है एल एज ए लॉन्ग, एल इक्वल टू, हम इस पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन एल से पहले होता है डिम, आई एज ए इंटीजर। अब एल आई बी एल टी आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, बट आपका बाइट बुलियन इंटीजर ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप इसकी क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं उस पे। ओके, आई के आई इंटीजर आपने लिया है तो मतलब कि माइनस 32,000 से प्लस 32,000 तो दे सकते हैं, मतलब कि इसमें जो है एक बाइट से बड़ा होता है, एक बाइट से बड़ा होता है, बट माइनस भी लेता है, लेकिन ये क्या है डेसिमल ए भी नहीं लेता। लॉन्ग जो है बहुत बड़ी नंबर डाल सकते हैं प्लस और माइनस, मतलब कि इंटीजर से भी बड़ा होता है, बट इसमें भी आप डेसिमल नहीं ले सकते। उसी तरह अगला आता है, वो आता है डबल, डिम डी एज ए डबल। डबल जो होता है सबसे बड़ा नंबर होता है नंबर स्टोर करने के लिए, और ये डेसिमल भी लेता है। अब मान लीजिए कि मुझे यहां एम को डिफाइन करना पड़ता तो हम क्या लेते, हम लेते डिम एम एज ए डबल। क्यों? क्योंकि मुझे इस पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और जाहिर सी बात है परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल आने के चांसेस हैं, इसलिए हम डबल लेंगे। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा टाइप को चूज करेंगे, ठीक है। तो डबल होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू ले सकता है डेसिमल प्लस और माइनस में भी। ओके, उसके बाद आता है डिम डीटी एज ए डेट। अगर मान लीजिए आपको डेट वगैरह इनपुट करना है तो आप डेट को डीटी डेट का होमवर्क देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 जैन 2020, तो ये डेट हो गया, ताकि कैलकुलेशन हो सके, मतलब हम डीटी प्लस 1 करेंगे तो डीटी इक्वल टू DT प्लस 1 कर दिए तो अभी 2 जनवरी DT पे स्टोर हो जाएगा। ओके, तीसरा इसमें आता है, वो आता है dim s as a string। अब आप लोग शुरुआत s string कर दिया तो मतलब इसके मैं कुछ भी नंबर टेक्स्ट दे सकता हूं, कितना भी डिजिट, नॉन कैलकुलेटिव डेटा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गई, कैसे पता चलेगा कि हमें क्या लेना है। अब मान कि इनपुट हमने कुछ लिया, वी लुकअप का ही लगाया, तो लुकअप वैल्यू में तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, डेट टाइम टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। तो अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो होता है डिम वी एज ए वेरिएंट। अब जैसे कि मैंने नीचे डिफाइन तो वो क्या था, वो वेरिएंट था, समझ गया, बाय डिफॉल्ट लिया था उसने, बाय डिफॉल्ट। लेकिन सारे सिस्टम नहीं लेते, वो ऑपरेटिंग आपके एक्सेल पर डिपेंड करता है,
कुछ में डिफॉल्ट नहीं लेता, हर वैल्यू को डिफाइन ही करना पड़ता है, कुछ में मैंने देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब वेरिएंट क्या है, अगर वेरिएंट का हमने डाल दिया नंबर तो बन जाएगा लॉन्ग इंटीजर लॉन्ग, डेसिमल डाल दिया तो बन जाएगा डबल, डेट डाल दिया तो बन जाएगा डेट, टेक्स्ट डाल दिया तो बन जाएगा टेक्स्ट, समझ गए? ओके। इसमें एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जब मेरे पास ऑलराउंडर है तो बाकी सब में रटने की क्या जरूरत है? इसके दो चीजें हैं, दो इसमें इसमें जो है आपकी दो प्रॉब्लम है, दो ने तीन मान लीजिएगा, इसमें तीन प्रॉब्लम है। पहली है साइज, कि जब आप जानते हैं कि सिस्टम में कुछ भी डिक्लेयर होता है तो एक साइज एक स्पेस जो है कैप्चर करता है, तो जो आपने बीएल किया बुलियन किया या बाइट किया तो इसने वन बाइट या आपका टू बाइट फोर बाइट ऐसे इन्होंने स्पेस कैप्चर किया, तो इसका जो वेरिएंट होता है उसका सबसे ज्यादा 32 बाइट होता है। इसकी चार्ट जो है मैंने जो बुक भेजी है उस बुक के 199 पेज पे आपको मिल जाएगा, इसकी क्या साइज है क्या लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरी चीज में है कि अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या अगर मान लीजिए चलिए 32 बाइट है तो बाइट है ना, मेरे पास तो 1 TB का हार्ड डिस्क और 8 GB का रैम है, तो बाइट है तो बहुत छोटी सी चीज हो गई, लेकिन आपकी जो एक सब्जेक्ट है जो एक माइक्रो है जो बाहर आप किसी एक को रन करते हो ना, उसकी एक लिमिट है 255 KB, इससे ज्यादा को इससे ज्यादा वाली साइज को जैसे होगा तो प्रोसीजर टू लार्ज का ऑप्शन दे, क्या देगा? प्रोसीजर टू लार्ज। सर ये एक माइक्रो के लिए के सारे सारे प्रोग्राम जो माइक्रो करके सबके लिए? नहीं, एक माइक्रो का साइज, एक माइक्रो ओके ओके ओके। यहाँ दिक्कत होगा तो हाँ, ये छोटे मोटे माइक्रो में फर्क नहीं पड़ेगा, जब 4-5 पेजेस का माइक्रो बनाओगे तो उसमें इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसमें आता है कन्वर्जन, जैसे कि मुझे डेसिमल नहीं चाहिए तो अगर मैंने वेरिएंट डाल दिया तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल देगा, अगर मैंने इसमें लॉन्ग में डाल दिया, अगर किसी ने वैल्यू डाल भी दिया जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ से डेसिमल नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ राउंड वेव फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राउंड वेव फॉर्मूला ना लगा के मैं सिंपल करूंगा डिम एल एज ए लॉन्ग और यहाँ हम करेंगे एल इक्वल टू एम और यहाँ कर देंगे हमारा एल, तो इससे इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे डेसिमल ले रहा है ना, अब मैं इस माइक्रो को रन करूंगा तो देखिए अब यहां पे उसने राउंड करके दे दिया, तो अगर ऐसा ना करता तो मुझे यहां राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ता, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट राउंड, तो ऐसा लंबा कोड हो जाता और जहां जहां मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी हर जगह फॉर्मूला लगाना पड़ जाता। अब ये क्या हो गया कि कहीं भी हमें राउंड करना है एल को ले लूंगा, तो कन्वर्जेंस, बात समझ गए। दूसरा अब यहां डेट ही देखिए तो डेट मान लीजिएगा वेरिएंट कर दें तो इसको टेक्स्ट समझ लेगा तो डेट में कन्वर्ट ही नहीं करेगा जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें। तो दूसरा प्रॉब्लम है आपका कन्वर्जेंस कि आप अपने इनपुट को कन्वर्ट कर लो अपने डेटा टाइप में। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है मतलब कि वैलिडेशन। वैलिडेशन ये कि अगर मान लीजिए कि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डलवानी तो अगर मैंने लॉन्ग कर दिया किसी ने गलती से लॉन्ग है मान लीजिए किसी ने एल के ऊपर गलती से कोई टेक्स्ट डाल दिया तो आपको टाइप मिसमैच का एरर दे दिया एरर, इससे क्या हुआ कि हमारा वैलिडेशन हो गया कि जो हम चाहते हैं वही हमारा इनपुट एक्सेप्ट होगा, अगर किसी ने गलत इनपुट दे दिया तो मेरा माइक्रो परफॉर्म ही नहीं करेगा, समझ गए? हाँ सर, ये एक एडवांटेज है उसका। तो आपने इसमें सीखा कि हम वेरिएबल क्यों इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज हम वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिक्लेयर क्यों करते हैं,
क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, और वेरिएबल की इंपॉर्टेंट है, आप जैसे मैथमेटिक्स क्या बिना वेरिएबल का यूज कर सकते हैं? अगर मैं आपको अलजेब्रा दे दूं तो क्या लग रहा है बिना एक्स वाई जेड डिफाइन की यूज कर सकते हैं आप? नहीं। सेम थिंग यहां भी है, मैंने पहले बोला था कि एक्सेल जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। आप वीवीए प्रोग्रामिंग को भी, आप इंटरनेट में कोई भी वीवीए कोड को ढूंढ लीजिए, आपको वहां पे वेरिएबल्स तो मिलेगा ही मिलेगा। शायद ही ऐसी कोड 99% ऐसा कोड मिलेगा जिसमें वेरिएबल इस्तेमाल ना किया हो, शायद वो भी 100%। नहीं सर, सारे में वेरिएबल होता है। सो वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, और वेरिएबल ही क्लासेस में अभी और आगे लूंगा, 3-4 क्लासेस लूंगा। तो आपको जो मैं बुक दिया था उस बुक का पेजेस को पढ़ें, और पेजेस को पढ़ने के बाद थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लें। मंडे को मैं क्लास लूंगा, और मंडे की हमारी टॉपिक होगी इफ फॉर्मूला।